गाइज आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत पहले ही एक फीचर आ गया था जिसमें आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपने व्हाट्सएप पर नहीं देखा होगा कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पर किसी भी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल मतलब कि जैसे कि आप किसी का बर्थडे आपको याद नहीं रहता है, या आप कोई भी पोस्ट 5 दिन बाद में या 6 दिन बाद में करना चाहते हैं किसी को, लेकिन आप भूल जाते हैं, तो आप वहां पर शेड्यूल कर सकते हैं कि इस पोस्ट को इस दिन और इतने बजे पोस्ट करनी है। तो आप 6-7 दिन पहले या साल भर पहले ही आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर शेड्यूल कर सकते हैं, फेसबुक पर शेड्यूल कर सकते हैं, आप इसके अलावा मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं, कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप व्हाट्सएप पर बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे आप जब कभी भी चाहें किसी को भी पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बस यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत शानदार ट्रिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको यहां पर सर्च करना होगा एस कैडिट। दोस्तों मैं आपको लिख कर बता देता हूं, आप ये ही सर्च कर लेना, SKEDIT। दोस्तों आपको एस के एडिट सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट नंबर पर ऐप दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं एस के एडिट शेड्यूलिंग ऐप आपको दिख रहा होगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको इंस्टॉल कर लोगे लेकिन आपको इसकी सेटिंग बिल्कुल भी पता नहीं होगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से तो अकाउंट बनाएंगे इसके अंदर और किस तरीके से आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं इस ऐप की तरफ। अब दोस्तों जैसे कि मैंने ऐप को इंस्टॉल कर लिया, आप देख सकते हैं ये रहा वो ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है साइन इन विद फेसबुक, तो आप फेसबुक के साथ भी यहां पर साइन इन कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं, और यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहां पर साइन इन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा यहां पर अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करके और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जब आप ये काम कर दोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। एक्चुअली आपके पास में ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, उस कोड से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपका अकाउंट बनेगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सअप बिजनेस, व्हाट्सअप, SMS, ईमेल, कॉल, फेसबुक। तो यदि आप WhatsApp पर पोस्ट शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर WhatsApp पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप मोबाइल के अंदर मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं SMS, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यदि ईमेल शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कहीं कॉल करना है तो कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप कॉल पर क्लिक कीजिएगा। और फेसबुक पर यदि आप किसी भी पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो फेसबुक पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप पर कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। एक्चुअली आपको हर जगह शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पर शेड्यूल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं व्हाट्सएप पर शेड्यूल करके बता देता हूँ। हम व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इनेबल एसेबिलिटी, तो इस पर हमको क्लिक करना है। दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस के एडिट लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर ऑन कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करेंगे, अब आप यहाँ पर बैक में चले जाइएगा। जैसे ही बैक में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप ग्रुप में पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा, और यदि किसी पर्सनल व्यक्ति को शेड्यूल करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस अकाउंट पर हम पोस्ट शेड्यूल कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो मैसेज आप यहाँ पर लिख दीजिएगा।
इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको शेड्यूल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप किस तारीख को मैसेज करना चाहते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर उसकी बर्थडे डेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा कितने बजे आप बर्थडे विश करना चाहते हैं। और यहाँ पर यदि आप रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो रिपीट लिखा हुआ है, इसके यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मतलब किस टाइम के अकॉर्डिंग आप रिपीट करना चाहते हैं, मंथली, वीकली, ईयरली, डेली, तो उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जैसे कि आपने पोस्ट शेड्यूल की 5 दिन पहले की, तो आप यहाँ पर 1 दिन पहले नोटिफिकेशन चाहते हैं पोस्ट होने से पहले, जिससे यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो आप उसको एडिट कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आस्क मी बिफोर सेंडिंग लिखा हुआ है, इस पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यदि आप नहीं चाहते कि डायरेक्ट पोस्ट हो जाए, मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब दोस्तों ये सब काम हो जाता है, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा काम करना है आपको और आपकी पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी। अब दोस्तों पोस्ट शेड्यूल हो जाएगी, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप बेफिक्र रहिएगा, ऑटोमेटिक उस बंदे के पास में मैसेज चला जाएगा जिसका आपने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया है।